राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आई हूँ पक्षियों के घोंसले के बारे में। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, इंसान से लेकर पक्षियों तक सबको घर की ज़रूरत होती है। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, वैसे पक्षी भी अपने घोंसले में रहते हैं। इंसान और पक्षियों के घरों में फ़र्क बस इतना है कि हम ईंट सीमेंट से बने घर में रहते हैं, पक्षी बेचारे तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घर या घोंसला बनाते हैं। वो अपना घोंसला अधिकतर पेड़ों पर ही बनाते हैं, लेकिन अनाधुंध पेड़ों की कटाई और बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण कभी कभी पक्षी इंसानों के घरों में भी घोंसला बना लेते हैं। लेकिन कई बार लोग तंग आकर इनका घोंसला या तो तोड़कर फेंक देते हैं या और कहीं इनका आसरा बसने से पहले ही उजाड़ देते हैं। लेकिन कभी भी किसी पक्षी का घोंसला नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। क्या आप जानते हैं कि अगर पक्षी आपके घर में घोंसला बनाते हैं तो यह आपके लिए शुभ संकेत है? तो आइए जानते हैं पक्षियों के घोंसला बनाने के शुभ संकेतों के बारे में। पहले नंबर पर आता है कबूतर का घोंसला। अगर आपके घर में किसी कबूतर ने अपना घोंसला बना लिया है तो कबूतर के घोंसला बनाने का क्या मतलब है, यह आपको जरूर जान लेना चाहिए कि कबूतर का घोंसला बनाना आपके घर परिवार के लिए कितना शुभ होगा या अशुभ होगा। देखा जाए तो हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, जीवन में तरक्की करना चाहता है, लेकिन जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भाग्य के बल पर सफलता हासिल नहीं कर सकते। हालांकि बहुत से लोग बहुत लगन से कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी सफलता उन्हें नहीं मिलती। दरअसल सफलता हासिल करने के लिए मेहनत और भाग्य का प्रबल होना बहुत जरूरी है। कबूतर का घोंसला बनाना शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि जिस घर में कबूतर अपना घोंसला बना लेता है तो यह आपके घर में सुख समृद्धि का सूचक है और तरक्की का, जो आपके जीवन में तरक्की है उसका आगमन होने वाला है, यह आपको समझना चाहिए। यह आपके घर में सुख शांति देने का भी संकेत देते हैं, क्योंकि और आपको कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है उसकी तरफ भी इशारा करते हैं। आप लोगों ने देखा हो कि बहुत से लोग कबूतरों को घरों में पालते हैं। अगर ये अशुभ होता तो लोग इन्हें क्यों पालते? जब हमारे देश में डाकखाने नहीं थे तो लोग कबूतरों के माध्यम से ही अपने मैसेज एक दूसरे को पहुंचाते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपके घर में कबूतर ने घोंसला बना लिया है तो इसे तुरंत कहीं दूसरी जगह रखाएं, क्योंकि इसके होने से घर में आर्थिक तंगी के साथ साथ घर में कबूतर जो उजाड़ चाहता है इसलिए परिवार उजड़ जाता है। लेकिन यह सब गलत है। ज्योतिष शास्त्र में भी साफ साफ बताया गया है कि कबूतर माँ लक्ष्मी के भगत होते हैं। कबूतर के घर में होने से माँ लक्ष्मी का वास होता है और सुख शांति में भी वृद्धि होती है। इसलिए कबूतर को घोंसला बनाना अशुभ नहीं समझा जाता। बहुत से लोग इनको अशुभ समझकर दाना नहीं डालते हैं कि कहीं ये घर में घोंसला ना बना लें। कई लोग कबूतर के घोंसले को फेंक देते हैं और उनके अंडों को भी फोड़ देते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा पाप लगता है और संकटों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको जानकारी सही लगे तो कबूतरों को दाना दिया करो और घोंसलों को, जो कबूतर ने घोंसला बना लिया तो उसे नहीं तोड़ें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। आपने देखा होगा कि कबूतर का घर में घोंसला बनाना अच्छा संकेत होता है। इसलिए यह माना जाता है कि अगर कबूतर ने घर में घोंसला बना लिया है यह एक अच्छा संकेत है, तो इसलिए कबूतर का घोंसला बनाना शुभ माना जाता है। चिड़िया का घोंसला। चिड़िया ने घर में घोंसला बनाना माना जाता है कि चिड़िया आपके घर बालकनी या
बहुत से घर गाटर सिल्ली वाले होते हैं, तो वहाँ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है। तो समझो आपके घर में खुशियाँ आ चुकी हैं, आपके घर का संकट टलने वाला है और घर के सभी सदस्य खुशी खुशी रहने लगते हैं। धन संपत्ति में भी वृद्धि होने लगती है। अगर गौरैया अपना घोंसला घर में बना ले तो कितने ही वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आगन्या कोण में घोंसला बनाने से पुत्र का विवाह जल्दी होता है। अगर चिड़िया ने दक्षिणी पश्चिम दिशा में घोंसला बनाया है तो धन की प्राप्ति होती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में घोंसला परिवार वालों की दीर्घायु को भी देता है। पश्चिम भाग में घोंसला बनाने से लक्ष्मी जी की कृपा बसती है। उत्तर पश्चिम कोण में गौरैया का घोंसला शुभ देने वाला होता है। इसी प्रकार उत्तर दिशा और ईशान कोण वाला घोंसला सुख सुविधाएं देने वाला होता है। इसलिए जो गौरैया होती है उसका घोंसला बनाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में पक्षियों ने, कुछ पक्षी होते हैं जिनको सही नहीं माना जाता है, उनके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगी कि कौन से पक्षियों का घोंसला घर में नहीं होना चाहिए। अब आता है, क्योंकि जो गौरैया है उसे तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि मेरे घर में भी घोंसला बना है तकरीबन 12-13 साल से मैं देख रही हूँ। कभी कभी वो लोग कुछ दिन के लिए चले भी जाते हैं लेकिन मैंने कभी उनका घोंसला नहीं तोड़ा है, और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब वो घर में होती हैं। एक परिवार की तरह मुझे लगता है, जब वो चली जाती हैं तो मन मेरा बहुत उदास होता है, लेकिन घर में सुख शांति होती है ये मैं मानती हूँ। गिलहरी, गिलहरी का आपके घर आना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि गिलहरी जब आपके घर में इधर उधर फुदकती है तो इसका मतलब सौभाग्य से होता है कि आपका सौभाग्य बढ़ने वाला है। अगर आपके घर में बच्चे की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी है तो जल्दी आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है। जब गिलहरी आपके घर में आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि नए मेहमान के आने का सूचक है। अगर आने के साथ साथ गिलहरी ने आपके घर में घोंसला बना लिया है तो उस घर में सुख शांति के साथ साथ धन की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए गिलहरी का घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी है, और मेरा हौसला बढ़ाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।